सद्गुरु श्री साई नारायण बाबा यांच्या द्वितीय पुण्यतिथीनिमित्त पनवेलच्या साईबाबा मंदिर येथे श्री साई नारायण बाबा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि पनवेल AKT फाउंडेशनच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच स्तनांच्या आजारांची तपासणी शिबिराचे आयोजन आज करण्यात आले होते. या शिबिराचा लाभ अनेक महिलांनी घेतला. तसेच यावेळी 2 सामुदायिक विवाह सोहळा संपन्न झाला. पनवेल रेल्वे स्टेशन रोडवरील श्री साई नारायण बाबा आश्रम येथील श्री साई बाबा मंदिरात पूज्य सद्गुरु श्री साई नारायण बाबा यांच्या द्वितीय पुण्यतिथी निमित्त आज श्री साई नारायण बाबा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि पनवेल AKT फाउंडेशनच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात पहिल्यांदाच स्तनांच्या आजारांची तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात जवळपास 40 ते 50 महिलांची या शिबिराचा लाभ घेतला. दरम्यान सकाळी 2 सामुदायिक विवाह सोहळे संपन्न झाले. आतापर्यंत 85 विवाह सोहळे ट्रस्टच्या माध्यमातून करण्यात आले आहेत. दरम्यान विविध धार्मिक कार्यक्रम 140 हून अधिक विधवा महिलांना राशन आणि 108 हून अधिक मुलांना गृह उपयोगी वस्तू देण्यात येणार असल्याची माहिती डॉक्टर शकुंतला भटीजा यांनी यावेळी दिली. यावेळी डॉक्टर अरविंद टकले उपस्थित होते. आज परम पूज्य सद्गुरु श्री साई नारायण बाबा के द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शनिवार 20 मई 2023 को हमारे श्री नारायण बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट और AKT फाउंडेशन पनवेल के सहयोग में पहली बार ये पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ब्रेस्ट डिजीज स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन हुआ है. ये सबसे पहली बार इस टेक्नोलॉजी से कैंप का आयोजन हो रहा है निरामयी थर्मालेटिक्स टेक्नोलॉजी द्वारा. इस कैंप में लगभग 40 से 50 महिलाओं की स्तन की जो रोग है उनके स्क्रीनिंग की जाएंगी और पता चलेगा हमको कि उन्हें क्या रोग है या नहीं है. और ये पहली बार रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और इसका पूरा खर्चा जो है हमारे संस्थान की ओर से फ्री स्पॉन्सर किया जा रहा है लेडीज़ के बेनिफिट के लिए. साथ ही साथ आज गुरु जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रातःकाल 9:30 बजे से 12 बजे तक 2 कन्याओं की सामूहिक कन्यादान में विवाह का आयोजन हुआ. आज तक बाबा ने ऐसे 85 गरीब गरजुओं कन्याओं की शादी करवा चुके हैं और इन कन्याओं को व्यवस्थित जैसे हर साल की तरह बाबा के दरबार से उन्हें पूरा जो भी रहने के लिए खाने के लिए राशन दान होता है या सोने का मंगलसूत्र आदि सब बाबा के दरबार से उन्हें फ्री दी जाती है. अभी ये शिविर चालू है, यहाँ पर लगभग 20 महिलाओं का स्क्रीनिंग हो चुका है और साथ ही साथ बाबा के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अभी मंदिर में हम देख रहे हैं कि शास्त्रीगण मिलकर उदक शांति मंत्र का जाप कर रहे हैं. उसके बाद में श्री गुरु महिमा का पारायण होगा. सायंकाल 4:02 का समय हमारे बाबा के पुण्य समाधि का समय है. उस वक्त हम बाबा के मूर्ति का श्री महारुद्राभिषेक करेंगे. तदुपरांत वस्त्र अलंकार पुष्प अलंकार और महाश्री चरण कमलों की पूजा होगी. उसी समय 140 से अधिक विधवा महिलाओं को राशन दान दिया जाएगा और 108 से अधिक गरीब बच्चों को बहुत सारी गृह उपयोगी वस्तुएं और आहार बांटा जाएगा. उसके बाद एक मंगल यात्रा का आयोजन किया गया है. इस मंगल यात्रा में फूलों के साथ जो पुष्प सुशोभित रथ में बाबा की मूर्ति के साथ में हम सभी भक्तगण यहाँ से रेलवे स्टेशन मंदिर जाते हैं और पूरा पनवेल शहर में बाबा का भजन कीर्तन करते हुए दरबार में पुनः आ जाते हैं और दरबार में सायंकाल की मध्यान्ह सांझ आरती और शेष आरती के बाद में सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन होगा. तो इस प्रकार हमारे यह दरबार बाबा की द्वितीय पुण्यतिथि को विभिन्न आध्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ में मना रही है. हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अरविंद टकले हैं जो यहाँ के पनवेल के और रायगढ़ के बहुत माने हुए रेडियोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने इस कैंप का आयोजन किया है तो हम 2 शब्द डॉक्टर टकले के भी सुनना चाहते हैं. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.